आप देख रहे हैं वर्ड ऑफ पोएट्री यूट्यूब चैनल और अब जो है हमारे हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। सो आज हम कैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह कैंडलिंग होती है और क्या क्या स्टेप होता है इसमें। और कैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग लाइट अबव और बिलो द एग टू ऑब्जर्व एंड ब्रूडर। हम करते क्यों हैं, सबसे पहले ये चीज बतानी चाहिए। हम इसकी जो फर्टाइल एग होते हैं ना, उनके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की, उसको चेक करने के लिए करते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और डेवलपमेंट हो भी जाएगी या नहीं भी हो रही। तो उसको चेक करने के लिए हम जो है वो कैंडलिंग करते हैं और हैचरी के अंदर ये, तो ये लाजमी प्रोसेस है, ठीक है। कैंडलिंग को हम लाइट को उसके नीचे जाके या ऊपर साइड पर आके तो हम एक डार्क रूम में, ठीक है, ऑन करते हैं। पर्पज ऑफ कैंडलिंग, द पर्पज ऑफ कैंडलिंग इज टू डिटरमाइन द इंटरनल कंडीशन ऑफ एग like to remind the embryonic part of the compo air cell yolk and egg white candling detects bloody whites blood spots or meat spots ठीक है। also the main purpose of candling is to remove the infertile egg and dead embryo। इसमें वही जैसा पहले बात की कि हम अंदर की conditions की देखते हैं और हम उसका जो embryonic part देखते हैं, फिर अगर कोई fertile है एग या नहीं है, अगर कोई नॉन फर्टाइल है उसको हम साइड पे कर देते हैं, या डेवलपमेंट नहीं हो रही तो हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट, सो ये पर्पज है इसका। फिर व्हेन शुड एग्स बी कैंडल, कब कब अंडे जो है वो कैंडल होते हैं, ठीक है। एग्स मे बी कैंडल आफ्टर 5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन एंड एवरी फ्यू डेज थereafter, ठीक है। जब हम हैच करने के आते हैं उसके 5 दिन के बाद हम उसको चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और फिर हम उसके थोड़े से दिन के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेनली जो है मेनली दी एग्स आर कैंडल एट कंप्लीशन ऑफ 18 डेज इन सेटर, जब सेटर के अंदर 18 दिन पूरे हो जाते हैं उससे हमने हैचर की तरफ कन्वर्ट करना। तो उस वक्त जो हो तो मेन एक हमारी होती है कैंडलिंग प्रोसेस होता है, उसमें जो है कैंडलिंग को देखते हैं, ठीक है। उसमें कैंडलिंग लाजमी की जाती है हैचरी के अंदर 18वें दिन पे। उसके बाद ड्यूरिंग दी लास्ट 3 डेज ऑफ हैच इट इज द बेस्ट टू अवॉइड कैंडलिंग दी अनलेस यू हैव अ स्पेसिफिक रीजन। तो जो आखिर 3 दिन हो गए ना हैच के, 19, 20 और 21, इस इन डेज पे कैंडलिंग ना की जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो फिर अगर हम करेंगे तो बर्ड शेक सॉरी एग जो है वो शेक होगा, उससे जो बर्ड पे इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि बर्ड जो है आखिरी डेवलपिंग स्टेज में होता है। सो अगला जो है राइट वे ऑफ कैंडलिंग, ठीक है, तरीका कौन सा सही कैंडलिंग करने का। फॉर बेस्ट रिजल्ट यू शुड कैंडल एग इन अ डार्क रूम और इन डिमी लाइट ड्यूनिट कंडीशन, ठीक है। दी कैंडलर शुड बी हेल्ड राइट अगेंस्ट दी शेल एट दी लार्जर एंड ऑफ दी यॉक सॉरी एग वेयर दी एयर सेल इज लोकेटेड। क्या है कि एक तो आपकी जो है वो जहाँ पे आपने कैंडलिंग करनी है वो उस रूम डार्क हो, लाइट ना हो, सिर्फ जो आप लाइट उसके नीचे जाते हैं आने के वही हो, ताकि उससे आप अच्छे से जो है वो ऑब्जर्व कर सकेंगे इंटरनल कंडीशन को। और जो दूसरी चीज मेन चीज के आपने जो है वो जब लाइट रखनी है वो लाइट आपने जिसकी जो छोटी साइड है, ठीक है, एग की, उस तरह रखनी है आपने, ठीक है, और वहां से आपने ऑब्जर्व करना है। और ये लाइट हम डिफरेंट कैंडलिंग लाइट्स होती हैं वो मिल भी जाती हैं, और हम मोबाइल से भी कभी कभार कर लेते हैं, इससे आप बना के नीचे मोबाइल की लाइट लगाए इसके अंदर रखें तो वो मैनुअली आप देख सकते हैं उस तरह। अच्छा, सो ये जो है कैंडलिंग का सारा प्रोसीजर है, ठीक है, ये सारा इसका पर्पज है, इसका जो तरीका खा रहा है ये। सो आई होप कि आपको अच्छे से कैंडलिंग के बारे में जो है वो समझ आ जाएगी। हम आपको फिजिकली इंशाल्लाह हैचरी में जब लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैंडलिंग करते हुए और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह।